हाय एवरीवन तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोगों को टेबल के बारे में और थोड़ा मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ एंड आई नो कि टेबल वाज ए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगा होगा बट आई नो कि ये कंफ्यूजिंग है बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली दैट मच कन्फ्यूजिंग तो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि कैसे एक में एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे जिसमें कि हमने ये हमारा वेबसाइट है जो कि हमने पहले बनाया था और इसी वेबसाइट में हम लोगों ने अपना पहले नाम लिखा था और उसके बाद यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लिखा था ये अपना एक लिंक दिया था और उसके साथ साथ हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस लिखा था अभी मैं चाहता हूँ कि अपना ये वर्क एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने स्किल्स को लिस्ट आउट करूँ तो स्किल्स को हम लोग कुछ इस तरह से स्टार यूज़ करके लिस्ट डाउन करेंगे जो कि uh, मैंने कुछ स्किल्स अपना डिसाइड uh, कर रखा है जिनको कि मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूँगा फॉर एग्जांपल लाइक वेब डेवलपमेंट वीडियो एडिटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग तो ऐसे ही आप लोग अपना स्किल को यहाँ पर मैंशन करोगे तो मैं यहाँ पर पहले स्किल लिखूँगा एंड देन जस्ट लाइक दिस यहाँ पर मैं uh, अपना जो स्किल uh, का जो लेवल है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि स्टार में उसको लिखूँगा तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बनाएंगे तो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि कैसे ये बनेगा तो पहले यहाँ पे एक स्किल्स का एक हम लोग हेडिंग uh, डाल देते हैं ठीक है तो हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में हमने ये हमारा पिछला टेबल uh, था अभी हम लोग यहाँ पर नया स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एच एलिमेंट या फिर एच सॉरी एच एस थ्री एलिमेंट बनाएंगे इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्किल्स वाह स्किल्स लिख रही है अभी इसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाएंगे ऑलराइट right. तो हम लोगों ने एक टेबल बना दिया और टेबल के अंदर हम लोग टेबल रो और टेबल रो के अंदर हम लोग जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था टेबल डेटा टी और हम लोग ऐसे दो डेटा यहाँ पे लेंगे तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट ठीक है तो पहले मैं यहाँ पे अपना स्किल लिखूंगा एंड देन यहाँ पे स्टार्स डालूंगा तो जैसे ही स्किल हो गया अपना वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट आई नो कि मेरे लिए जितना ईजी है आप लोगों के लिए उतना ईजी नहीं रहेगा बट uh, uh, आप लोग ट्राई करो कि मुझे फॉलो करने की जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को uh, रिक्रिएट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे हम लोग स्टार डालेंगे तो गाइज़ विंडोज़ में आप लोगों को स्टार डालने के लिए uh, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है जिसका है विंडोज़ डॉट विंडोज़ डॉट दबाने से आप लोगों कहीं पे भी अपना टेक्स्ट का आ, ये जो इमोजी वाला ऑप्शन होता है वो आप लोग खोल सकते हो इंडो मेक श्योर कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया विंडोज़ डॉट और uh, यहाँ पे आई गेस हम लोगों को स्टार मिल जाएगा इस कार के अंदर हाँ ये रहा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी नॉट सिक्स फाइव फाइव स्टार मैं अपने आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में दे रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी भी कर सकते हो बट एक मैं आप लोगों को शो करने के लिए कॉपी नहीं करूँगा इसको मैं फिर से एक टेबल रो क्रिएट करूँगा टेबल रो टेबल रो उसके अंदर हम लोग टेबल डेटा पर देंगे टेबल डेटा और उसके अंदर हम लोग और एक टेबल डेटा क्रिएट करेंगे टी डी ओके तो हमारा एक टेबल डेटा के अंदर हमने वेब डेवलपमेंट लिख दिया अब इसमें वीडियो एडिटिंग लिख देते हैं वीडियो एडिटिंग और इसमें अपने आप को विंडोज़ डॉट और इसके अंदर हम लोग अपने आप को स्टार देंगे वन टू तो थ्री फोर फाइव और ऐसे हम लोग स्टार को रिड्यूस करते जाएंगे आ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ और स्किल्स में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के बदले में अभी लिखना चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ओके तो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दिया इसमें मैं अपने आपको फोर स्टार देता हूँ और इसके बाद हम लोग कुछ और टेबल रो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर टेबल डेटा भर देंगे और इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्किल्स लिखेंगे और आ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन तो इसमें मैं अपने आप को लेट सपोज थ्री स्टार देना चाहता हूँ विंडोज़ डॉट विंडोज़ डॉट रिम्बर गाइज जिससे आप लोगों का यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो थ्री स्टार ओके तो हमने स्किल्स और उसके अंदर टेबल रो टेबल डेटा भर दिया है कंट्रोल एस और कंट्रोल एस दबाने से आप लोग यहाँ पे कंट्रोल आर आप लोग देख सकते हो कि हमारे सारे स्किल्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं तो दैट वाज रियली अमेजिंग आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करो और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इन स्किल्स के अलावा कुछ और स्किल्स भी यहाँ पे ऐड करूँ तो उसको ऐड करने के लिए मैं चाहता हूँ इन ये जो है ये अपना एक टेबल है मैं चाहता हूँ एक नेस्टेड टेबल क्रिएट करूँ नेस्टेड टेबल काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट होता है बट यू कैन डू इट हम लोग एक टेबल एलिमेंट क्रिएट करते हैं टेबल uh, हमने sorry, एक सॉरी एक टेबल एलिमेंट क्रिएट करते हैं टेबल और uh, इस टेबल एलिमेंट के अंदर uh, हम लोग एक टेबल रो क्रिएट करते हैं ठीक है थीके? और टेबल रो के अंदर एक टेबल डेटा uh, और इसी टेबल डेटा के अंदर हम लोग ये जितने भी अपने डेटा है इन ये सारा टेबल को मैं इसके अंदर डाल दूँगा जैसे कि यहाँ तक इसको X हमने कॉपी कर लिया इसके अंदर भर देते हैं ठीक है तो ये जो टेबल डेटा के अंदर ये पूरा टेबल आ गया आप लोग देख सकते हो ठीक है हम लोगों ने इसको भर दिया और अभी मैं चाहता हूँ इस टेबल डे सॉरी तो हमने इसको टेबल डेटा के अंदर पूरा भर दिया है और मैं अभी चाहता हूँ कि एक दूसरा टेबल डेटा क्रिएट करूँ और उसके अंदर भी ऐसे ही टेबल क्रिएट करूँ तो वैसे ही टेबल डेटा और इसके अंदर मैं भी कुछ स्किल्स ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं और एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं फिर टेबल रो और इसके अंदर आई नो इट्स ए लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बट जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हो या और आपका अच्छा होता जाता है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल पेस्ट और यहाँ पे मैं कुछ और स्किल्स को लिस्ट आउट करूँगा फॉर एग्जांपल लाइक मेरा कुछ और स्किल जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसमें कि मैं अपने आप को टू स्टार देना चाहता हूँ विंडोज़ प्लीज़ लेट मी नो कि मेरा स्टार देना सही है यार कंट्रोल एस कंट्रोल आर अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक और टेबल रो क्रिएट हो चुका है और जिसके अंदर हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग आ चुका है बट आई डोंट वांट इट मैं आप लोगों को ये रिमूव करके दिखा देता हूँ इसको पूरा uh, टेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से uh, ये यह टेबल डेटा टेबल डेटा को भी रिमूव कर देता हूँ ठीक है तो हमारा ये पूरा टेबल रो बन चुका है जिसके अंदर हमारे टेबल डेटा है और कंट्रोल एस इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कंट्रोल आर और ये पुराने जैसा हो गया और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस लाना और डिस्टेंस लाने के लिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्या एट्रीब्यूट से आ, पहले मैं आप लोगों को देखता हूँ सॉरी टेबल एम टी एन पिछली बार भी हमने सर्च किया था इसके बारे में और इसके हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट है से, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग आई थिंक दिस वन इज़ द राइट वन तो सेल स्पेसिंग को हम लोग यूज़ करेंगे आ, इसको हम लोग यूज़ करते हैं सेल के बीच में स्पेस देने के लिए और वैली होगा परसेंटेज एंड पिक्सल में तो चलिए इसको यूज़ करते हैं तो टेबल हमारा गया कहाँ ये रहा टेबल और इसी टेबल के अंदर हम लोग को ऐड कर देंगे ठीक है तो टेबल के अंदर हम लोग नॉट दिस टेबल इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे इसमें हम लोग सेल uh, स्पेसिंग लिख देते हैं सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग लिखने के बाद हम लोग इक्वल टू इसके अंदर हम लोग रखना चाहते हैं सॉरी इसके अंदर हम लोग रखना चाहते हैं मे बी टेन मोर देन एन अप और हम लोग अपने वेबसाइट को कंट्रोल आर और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा स्पेस आ गया एंड मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा ऐसे चिपके हुए से लग रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इनके बीच में भी स्पेस देना वर्क एक्सपीरियंस में तो इनका टेबल कहाँ गया वर्क एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस ये रहा टेबल वर्क एक्सपीरियंस वाला ठीक है तो इसमें मैं क्या करूँगा इसमें भी सेल स्पेसिंग तो ये हमारा सेल स्पेसिंग हो गया एंड देन हम लोग क्या करेंगे इसको टेन पिक्सल का हम लोग वैल्यू दे देते हैं पिक्सल का वैल्यू। ये रहा एस okay. uh, और हम जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल आर। आप लोग देख सकते हो कि इनके अंदर भी स्पेस आ गया एंड दैट्स रियली लुक्स गुड ओके तो ये हमारा बन गया पूरा वेबसाइट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग कैसे टेबल क्रिएट किए एंड आई थिंक कि आ, आपको अच्छा लगा होगा और के एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ पे एक एच आर एलिमेंट और यहाँ पे एक एच आर एलिमेंट देना चाहता हूँ तो हम लोग एक एच आर एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं और टेबल 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 इसके बाद एच आर एंड इसके एंड में भी हम लोग एक एच आर ऐड कर देते हैं तो ऐसे ही कंट्रोल एस सॉरी इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस और वेबसाइट में कंट्रोल आर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो लाइन हो गए हैं तो दैट वाज क्वाइट रियली इंटरेस्टिंग इसके बाद हम लोग फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है एंड दैट रियली लुक्स गुड और अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करना तो यहाँ पे ये यह जो नाम लिखा हुआ है इसको आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हो साइड में बिल्कुल दैट विल आल्सो रियली लुक गुड तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको ट्राई करो नेस्टेड टेबल uh, को यूज़ करके uh, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बट आई आई विल जस्ट सो यू कि कैसे ये करते हैं uh, तो ये हमारा हमने टाइटल दिया था uh, ये हमारा नाम uh, ये हमारा इमेज तो ये बॉडी एलिमेंट में हम लोग एक टेबल बनाते हैं ठीक है तो टेबल बना के हम लोग फिर इस डेटा को लेके उधर डाल देते हैं ठीक है तो टेबल uh, सॉरी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं टेबल आ, टेबल के अंदर हम लोगों ने टेबल रो क्रिएट किया और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा ठीक है टेबल डेटा हम दो बनाएंगे साइड में रखेंगे इसके लिए कंट्रोल फी और यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा ये रहा अपना इमेज कॉपी इट और यहाँ पे पेस्ट इट आ, इसको हम लोग कट कर लेते हैं और उसके बाद रुद्र प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल और हम दूसरी चीज़ें जो है यूट्यूब चैनल आई एम ए क्रिएटर इन सारी चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे ओके आ, तो ये हो गया यहाँ से सॉरी यहाँ से लेके कर यहाँ तक इसको कंट्रोल एक्स यहाँ पे डाल देंगे कंट्रोल बी और हमारा सारा चीज़ें यहाँ पे आ गया कंट्रोल एस और जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंट्रोल आर दबाते हैं आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ गया बट देर इज नो डिफरेंस यहाँ पे साइड में जगह नहीं है तो 10 पिक्सल का हम लोग आ, यहाँ पे सेल स्पेसिंग डाल देते हैं तो जस्ट इट हियर यहाँ पे सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग इक्वल्स इसके अंदर हम लोग टेन पिक्सल डाल देते हैं ठीक है थीके? उसके बाद कंट्रोल एस उसके बाद यहाँ पे जाके कंट्रोल आर एंड दैट लुक्स गुड तो ये हो गया अपना कैसे मे बी ट्वेंटी राइट कंट्रोल एस कंट्रोल आर कंट्रोल आर ओके नाउ देर इज एन डिस्टेंस तो ये हो गया हमारा वेबसाइट uh, का एक बेसिक काइंड ऑफ लाइक ए रेजूमे काइंड ऑफ थिंग तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा ये नेस्टेड हो गया हमने नेस्टेड टेबल के बारे में सीखा यहाँ पे एक टेबल हमने क्रिएट किया यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स ऐड किए एंड आई नो कि आ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि आ, कैसे आपने ये सब बनाया और बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट रहा हुआ कि टेबल एलिमेंट के बारे में सो आई रिकमेंड यू कि आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करो तीन चार बार ऐसे टेबल बनाओ डू सम एक्सपेरिमेंट्स एंड आफ्टर दैट आप लोगों को सीखने को मिलेगा uh, यहाँ पर मैंने डबल uh, में बनाया हुआ है मे भी आप लोग यहाँ पर कुछ और एड कर सकते हो ट्राई टू मेक रिप्लिकेट एंड एक्शेल शीट सो देट योर टेबल मेकिंग स्किल इन एच डी एम एल विल इम्प्रूव तो ये हो गया आप कैसे एच डी एम एल को यूज़ करके अपना वेबसाइट बना सकते हो एंड uh, अगले वीडियो में हम लोग एक uh, बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड दैट विल भी रियली हेल्पफुल सो ये हो गया अपना पूरा टेबल क्रिएशन का पार्ट और आई uh, होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा अगर डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कहाँ पर डाउट रहा I will definitely help you out. So, bye bye, guys. I'll see you in the next video.